पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा, और परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले पढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कड़घरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।